हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इस समय दोपहर के बज रहे हैं 3 और ये ब्लॉग आज ब्लॉग जाएगा। तो मैं ग्रीन ग्रीन साड़ी पहनी हूँ, आप लोग को दिखा दे रही हूँ। मैं सुबह की इंस्टा पे किश डाली थी थोड़ा सा रील्स में, तो प्लीज़ आप लोग देख सकते हैं। और आज मैं आप लोग के साथ कुछ खास चीज़ दिखाने वाली हूँ, बहुत ही खास। ये काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है वीडियो, तो मैं सोची चलो आज आप लोग को इसे दिखा ही देती हूँ। क्या है खास, कैसा है खास, ज़रूरी है दिखाना। जीवन में हर चीज़ को देखना ज़रूरी है, तो वीडियो के साथ फुल लास्ट तक बने रहिएगा, तभी समझ पाएंगे क्या है कैसे है। और वीडियो फुल देखिएगा पूरा एंड तक, तभी वो चीज़ समझ में आए, देख पाएंगे आप क्या है। और भगवान भी क्या गजब की, नहीं ऐसी कुछ गजब की चीज़ें बनाते हैं जो एक साथ में इतने सारे सोचने वाली बात होती है ना तो मैं उस वीडियो को जरूर दिखाऊंगी, आप लोग देखिएगा एंड में ही उसे क्या है कैसे है, तभी जानेंगे। भगवान भी गजब का कमाल का काम करते हैं। तो चलिए एंड में वीडियो के साथ बने रहिएगा, तो आप लोग जरूर देखेंगे। तो मिलते हैं अभी आप लोग से थोड़ी देर बाद। तो गाइस यहाँ पे चल रहा है मेरा फैन, अभी मेरा किचन का और सफाई का झाड़ू पोछा सारा काम फिनिश हो गया है। और आज मुझे जाना है बच्ची को अपने बेटी को लेने छोटी वाली। और कल मेरे रूम का हाल आप लोग देखे थे, आज बच्चों का रूम को मैसे कि बाबू नहा लो और साबुन भी लगा लेना, हल्ला मचाता रहता है। नहाता स्कूल से सुबह गया तो नहाया नहीं, इतनी टाइम आने के बाद नहा रहा तो गाइस अभी आज सुबह सुबह मॉर्निंग का गजब का बात हुई, तो वीडियो बनता ही रहेगा, आप लोग देखते रहिएगा, तो मैं बताऊंगी। अभी तो मैं चल रही हूँ फटाफट रोटी पहले बनानी। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तो खुश रहिए। और वीडियो देखे कब जाता है कैसे जाता है कोई कन्फर्म नहीं, क्योंकि मैं तो बोली थी वीडियो नहीं जाएगा, नेट नहीं है, नेट डलवाऊँगी भी नहीं, देखिए कब डलवा तो चलिए बने रहिए ब्लॉग के साथ। अरे सभी लोग अच्छे रहे, खुश रहिए। और इस समय टाइमिंग जो हो रहा है, मुझे लग रहा है 12 बज रहा है। और आज मेरी मॉर्निंग से ही हालत बहुत बिगड़ चुकी थी, मैं क्या बताऊँ आप लोग से, बताना भी बहुत मुश्किल है। सच में मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, इतनी ज़्यादा मुझे देखने के बाद उस चीज़ों को, मेरी हालत कितनी बुरी हो चुकी थी मैं क्या बताऊँ। और अभी भी इस तरीके से रूटीन के उसी अकॉर्डिंग वो सामान भी जैसे था फैला हुआ, सब कुछ उसी अकॉर्डिंग है। और मेरा एकदम मन नहीं करा, अभी मैं पूरा आज 12 बजे है ना, मेरे काम से भी खाली नहीं हूँ। मैं काम से अगर खाली होंगी तो मुझे लगता है आज बच जाएंगे 3, और मेरे पास आज मैं डिसीजन ही नहीं ले पा रही हूँ, मैं कैसे क्या करूँ कैसे रखूँ मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। बैठी हूँ मैं, तो मैं सोची चलो मैं सफाई भी करती हूँ, इसको थोड़ा सा एनर्जी ले लेती हूँ दूध, क्योंकि एनर्जी सबसे ज़रूरी है। अभी बहुत सारे काम हैं। और जो मेरे साथ सिचुएशन हुई थी सुबह वाली, मैं उसे भी बताऊंगी आप लोग के ब्लॉग में, इसी ब्लॉग में क्या हुआ था कैसे हुआ था। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी देखेंगे और तभी जाएंगे, लास्ट में उसका पड़ेगा भी। क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी स्टार्टिंग से शुरू हो रही है, तो रूम पूरा घर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मेरा घर पूरा साफ हो चुका है, क्लीन तो पूरे घर को मैं कर ली हूँ। मैं जो है ये पोछा झाड़ू सब हो चुका है, बस वहाँ पर ये सब डिबी डिबी जो भी है सारी चीज़। तो ये हमारे इधर के एरिया भी देखिए, यहाँ पे चप्पल पौधन होता है, तो ये सब रूम भी मेरे सब साफ हो गए, क्लीन हो गए हैं। बट गंदगी तो अब उस तरीके की नहीं, बस कपड़े को सब सबमिट करना है, ये काम ही काम है। मैंने कुछ कपड़े यहाँ पे अभी फोल्ड करके, ये देखिए यहाँ से मैं रख रही हूँ, इधर भी कुछ फोल्ड कर ली हूँ, ये भी कर ली हूँ। अभी से मैं सोच रही हूँ कि इसे सेट करूँ अलमारी में ही, क्योंकि डेली कुछ कुछ पहनते हैं कुछ कुछ नहीं पहनते, तो इसे सिर्फ अलमारी में ही करूँगी अब नीचे की, क्योंकि ऊपर जो हालात बन जा रहे ना, अब तो मेरी हिम्मत ही नहीं ले रही कि वहाँ कपड़े रखूँ सच बता दूँ यही है। तो चलिए ब्लॉग के साथ बने रहिए, अभी देखते हैं अलमारी के नीचे का पोर्शन मैं खाली करती हूँ, कपड़े वहाँ एडजस्ट करती हूँ। फाइनली मैं भी अभी खाली हो गई, और खाना भी खा ली। अब इस समय बजे 2:30 बजने जा रहा है,
और 2:30 बज गए, अब मैं चली हूँ, 1 घंटे आराम करूँगी, उसके बाद फिर आप लोग से देखती हूँ, तब मिलती हूँ, कब मिलती हूँ। और अभी मैं ऐसे कर दे रही हूँ, अगर अच्छा लगे वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और चलिए अब आराम करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है, ब्लॉग कितना है, कैसे है सारा चीज़, एडिटिंग भी करना है तो देखते हैं। अलमारी में सारी चीज़ मैंने इस तरीके से अकॉर्डिंग में सेट कर दिया है, और एक ही साथ में 5-5 बच्चे सोचने वाली बात है, कौन आया, 5-5 बच्चे सोचने वाली बात है, तो भगवान भी क्या, कुदरत भी गजब का काम करते हैं भगवान ना। और लेकिन मुझे तो इस चीज़ को देखने के बाद मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत बिगड़ चुकी थी, इतनी बिगड़ चुकी थी, मैं क्या आप लोग से बताऊँ, मेरे बस होने जा रहा था, लग रहा था कि आज तो मैं भोजन नहीं कर पाऊँगी, ऐसी हालात हो गई थी मेरी, पूरी तरीके से मैं एकदम बेकार हो चुकी थी, मेरी तबीयत एकदम लग रहा था क्या हो गया है मुझे, इतनी ज़्यादा मॉनिटरिंग करने के लिए वाह बस करती जा रही थी, क्योंकि उन्हें देख के मेरे रोंगटे जो है ना खड़े हो गए थे, और मैं क्या, मेरे अंदर जैसे गिनगिनाहटपन आती है ना, वो चीज़ें आ गई थी फीलिंग। और मैं जब उसे सोचती थी उसके बारे में ब्लॉग, इसीलिए ये वीडियो नहीं डाल रही थी, सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मैं उसकी एडिटिंग कैसे करूँगी, क्या करूँगी, तो आप लोग ये भी समझिए इसीलिए। लेकिन आज बहुत हिम्मत करके ये वीडियो बनाई हूँ, तो वीडियो को आप लोग देख ही लीजिए। अरे वाह, सुंदर सुंदर है साहब, इधर दिखाइए, अरे वाह, चूहे के बच्चे इतने छोटे छोटे कैसे। तो आप लोग भी इस बच्चे को देख लिए, आप लोग देख लिए, तो मैं इसीलिए दिखाना चाहती हूँ, भगवान भी क्या गजब का देन करते हैं ना।